नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचे पीएम मोदी ने आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से भोपाल से जबलपुर और भोपाल से इंदौर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने पटना से रांची, धारवाड़ से बेंगलुरु और गोवा के मंडगांव से मुंबई तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसके बाद पीएम ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर कोई सफल नीति बनाता है तो मान लेना कि इसमें बूथ स्तर की जानकारी की बहुत बड़ी ताकत होती है। हम उनमें से नहीं हैं जो एसी वाले कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते हैं। हम तो वो लोग हैं जो गांव-गांव जाकर हर मौसम हर परिस्थिति में जनता के बीच खुद को खपाते हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। वहीं पुलिस का एक जवान भी जख्मी हो गया है जिसका इलाज किया जा रहा है। मारे गए आतंकी के पास से हथियार व अन्य साजो सामान भी मिला है। मामले में पुलिस ने बताया कि मारा गया शख्स प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बदर का स्थानीय आतंकी है। वहीं पुलिस को आतंकी के ठिकाने से हथियार और गोला बारूद सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 26 जून को बीएसएफ पर सीमावर्ती इलाकों में मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल ने इसका खंडन किया और ममता के आरोपों को गलत बताया। बीएसएफ के प्रवक्ता ने कहा कि बीएसएफ एक पेशेवर व अनुशासित बल है जिसे भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएसएफ ने बयान जारी कर कड़े शब्दों में इसका खंडन करते हुए कहा कि कूच बिहार के चांदमारी हाई स्कूल मैदान की जनसभा में मुख्यमंत्री द्वारा बल के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार और असत्य है। भारत के साथ अमेरिका के बाद अब फ्रांस भी लड़ाकू जेट इंजन बनाने को तैयार है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बीच लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए भारत में प्लांट लगाने की डील फाइनल हो गई थी, जिसके बाद अब फ्रांसीसी कंपनी सफरान भारत के साथ जेट इंजन विकसित करने के लिए तैयार हो गई है। बता दें कि सफरान और DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRI के साथ एक नया अत्याधुनिक पांचवी पीढ़ी के विमान के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन विकसित करने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कूच बिहार जिले का है, जहां ममता बनर्जी के दौरे के दौरान टीएमसी के दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक कार्यकर्ता की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। तो वहीं कूच बिहार के SP सुमित कुमार ने बताया कि गीतल दहा में आज सुबह दो गुटों के बीच झड़प हो गई। 5 लोगों को गोली लगी है जिनमें से एक बाबू हक की मौत हो गई है। SP सुमित कुमार ने कहा कि स्थिति शांतिपूर्ण है, पुलिस मौके पर मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने आज वनडे वर्ल्ड कप 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ICC ने मुंबई के लोअर पारेल में सेंट रेजिस एस्टर बॉलरूम में वर्ल्ड कप शेड्यूल की घोषणा की। भारत इस पूरे टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा जिसकी शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी। ICC ने बताया कि वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। भारतीय टीम का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को चेन्नई में होगा। वहीं 15 अक्टूबर को भारत पाक के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी। सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि GEM पर खरीद के मामले में भारतीय सेना ने कमाल कर दिया है। दरअसल भारतीय सेना को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए GEM पर खरीद के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में शीर्ष संगठन के रूप में चुना गया है। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 16,000 खरीदार GEM पर पंजीकृत हैं। हर महीने औसतन 60,000 से 80,000 लेन देन होते हैं। उन्होंने कहा कि 2022-23 में मार्च में अधिकतम 2,00,000 तक लेन देन हुए। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार ने सेना की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया, जिसके बाद सेना ने ट्विटर पर ये जानकारी साझा की। रोशनी के त्योहार दिवाली पर अब न्यूयॉर्क शहर में स्कूल में छुट्टी रहने वाली है। मेयर एरिक
एडम्स ने इस बात की जानकारी दी। एरिक एडम्स ने कहा कि उन्हें गर्व है कि राज्य विधानसभा और राज्य सीनेट ने न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक स्कूलों में दिवाली की छुट्टी करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। उन्होंने सिटी हॉल से एक विशेष घोषणा में कहा कि हमें विश्वास है कि गवर्नर इस विधेयक पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना देंगे। एडम्स ने कहा कि ये न केवल भारतीय समुदाय के पुरुषों और महिलाओं और दिवाली मनाने वाले सभी समुदायों की जीत है, बल्कि ये न्यूयॉर्क की भी जीत है। भारतीय महिला टीम की दिग्गज झूलन गोस्वामी को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब यानी कि MCC वर्ल्ड कमेटी में शामिल किया गया है। उनके अलावा इंग्लैंड के दो खिलाड़ी पीटर नाइट और पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन को भी इस बैठक का हिस्सा बनाया गया है। क्लब ने खुद इस बात की जानकारी दी है। समिति के अध्यक्ष माइक गेंटिंग ने एक बयान में कहा कि हम विश्व क्रिकेट समिति में झूलन, हीदर और इयोन का स्वागत करते हुए रोमांचित हैं। इन तीन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। क्रिकेट का विशिष्ट स्तर कैसे काम करता है, इसके बारे में उनका ज्ञान समिति के लिए फायदेमंद होगा। लोगों को जानलेवा कैंसर से बचाने के लिए दशकों से चली आ रही खोज में वैज्ञानिकों को सफलता मिली है। अमेरिका के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के डॉक्टर जेम्स गुले ने कहा है कि कैंसर के इलाज में अब अगली बड़ी प्रगति टीका हो सकती है। इन टीकों के जरिए कैंसर कोशिकाओं को खोजने और मारने के लिए इंसानों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए mRNA तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिसे हाल ही में कोरोना महामारी को लेकर इस्तेमाल में लाया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि उनकी ये खोज पूरी दुनिया के लिए एक नया वरदान साबित हो सकती है।